बहुत थैंक यू भारत सरकार का कि ऐसे हमको लेके आए वहाँ से. लाइक 4-5 डेज इट वॉज वेरी टेरेबल. अरे सरकार को धीरे धीरे धन्यवाद देना चाहता हूँ. मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ. सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स आया और हमें वापस लेके आया. थोड़ा बहुत डर लगता है. 42 साल डरने लगा, अब क्या डर लगेगा. दक्षिण सूडान से 156 की वतन वापसी. पिछले 7 दिन से जल रहा था दक्षिण सूडान. दक्षिण सूडान में 600 भारतीयों की संकट में थी जान. दक्षिण सूडान के गृह युद्ध में था हर पल मौत का खतरा. भारतीयों को बचाने भारत से चला संकट मोचन. भारतीयों की C-17 ग्लोब मास्टर से स्वदेश वापसी. दक्षिण सूडान से घर लौटे 156 भारतीय. सफल हुआ ऑपरेशन संकट मोचन. फर्ज कीजिए आपका कोई अपना युद्ध क्षेत्र में फंस गया हो, हर तरफ गोलियां चल रही हो, आपके अपने मौत के साए में जी रहे हो, और ऐसे हालात में आपके अपने दूर देश में फंस गए. दिल में बस एक ही अरमान हो, कोई अपनी धरती तक पहुंचा दे. और ऐसा हुआ. भारत सरकार के ऑपरेशन संकट मोचन ने यह कमाल कर दिखाया. गृह युद्ध की आग में सुलग रहे दक्षिण सूडान में फंसे 154 भारतीय और 2 नेपाली नागरिकों के लिए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह संकट मोचक साबित हुए. हर किसी ने कहा जान बची जब जनरल आए. गृह युद्ध में सुलग रही दक्षिण सूडान की धरती पर भारत माता की जय के ये नारे इस बात का सबूत है कि भले ही आप दूर देश में हो, भारत माता हर संकट से अपने बच्चों की हिफाजत करती है. जो लोग वहां पर उतर रहे हैं, खासकर जो दक्षिण भारत के साउथ इंडिया के हैं, उनको उतार कर प्रणाम दिल्ली है. गुरूर है अपने देश पर जो दुनिया के किसी भी कोने में किसी देशवासी को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता. त्रिवेंद्रम में भी और दिल्ली में भी रेलवे की तरफ से आपने बंदोबस्त किया है कि आपको टिकट की सुविधा आगे जहां पे भी आप जाना चाहते हैं वो आपको मिल जाए. भरोसा है अपनी सरकार पर जिसका पहला कर्तव्य देश के नागरिकों की सुरक्षा है. ये तस्वीरें गवाह हैं ऑपरेशन संकट मोचन की कामयाब उड़ान. दक्षिण सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन संकट मोचन ने पहला पड़ाव पार कर लिया है. C-17 ग्लोब मास्टर ने भारतीयों को उनके देश पहुंचा दिया. अगला पड़ाव होगा घर वापसी का. दक्षिण सूडान से भारतीयों को एयरलिफ्ट करके वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर अब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है. आप देख पा रहे होंगे कि ये भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर है. इसमें दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा से जो भारतीय फंसे हुए थे वहाँ पर शीत युद्ध के चलते वहाँ पर हालात खराब हो रहे थे, उनको एयरलिफ्ट करके यहाँ पर लाया गया है. दिल्ली आ चुका है विमान. दक्षिण सूडान से 156 लोगों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर की पहली फ्लाइट त्रिवेंद्रम पहुंची और दूसरे C-17 ग्लोब मास्टर से विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह दिल्ली पहुंचे. भारत ने अपने नागरिकों के साथ साथ 2 नेपाली नागरिकों को भी दक्षिण सूडान से रेस्क्यू किया. साउथ सूडान से रेस्क्यू कराकर लाए गए 156 लोगों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं. 156 लोगों को लाया गया है जिसमें से हम 85 लोगों को त्रिवेंद्रम में छोड़ कर आए क्योंकि वो उधर के थे और बाकी 83 के करीब यहाँ पर ले जाते. इस लॉट के अंदर जो दिल्ली आया उसमें 2 नेपाली. गुरुवार को ही दक्षिण सूडान के कंपाला से 2 C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी. विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया देशवासी वॉर जोन से बाहर निकल गए हैं और अब जब देशवासियों ने देश की जमीन पर कदम रखा तो नई जिंदगी मिलने का सबको एहसास हो रहा है. मौत के मुंह से निकलकर आए इन लोगों के चेहरे पर वतन वापसी का सुकून
देखा जा सकता है। बहुत बहुत थैंक यू भारत सरकार का कि ऐसे हमको लेके आए वहाँ से, क्योंकि हालात वहाँ पे बिगड़ रहे थे थोड़े। भारत सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग सही सलामत यहाँ तक लेके आए। परेशानियाँ तो काफ़ी थी, हम सब लाइक नीचे लेटे हुए थे लाइक 4-5 days, इट वॉज वेरी टेरिबल। हमें बाहर लाने का पूरा श्रेय इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट को जाता है। स्वदेश लौटने के बावजूद दक्षिण सूडान के गृह युद्ध की दहशत लोग दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाए। गोलीबारी के बीच हर पल लोगों को एक ही डर था, न जाने किस गोली पर उनका नाम लिखा हो, न आंखों में नींद, न ही एक पल का भी सुकून मिला। दक्षिणी सूडान में अब भी दहशत राज कर रही है। भारत पहुंचे 156 लोग वहां बचे भारतीयों की जिंदगी को उजड़ने से बचाने की दुआ मांग रहे हैं। बहुत मुसीबत थी वहाँ के लोगों को, बड़ी परेशानी हो रही थी। वो सब भाग भाग के यूएन मिशन में जा रहे थे और यूएन मिशन खुद सेफ नहीं था वहाँ पे, क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक हुआ जा रहा था। गृह युद्ध के बीच विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के सामने चुनौती थी एक एक भारतीय को सकुशल स्वदेश लाने की। युद्ध के इस माहौल में रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने ये चुनौती स्वीकार की। मुश्किल थे क्योंकि वहाँ पर क्या हालात है किसी को बारे में पता नहीं था। अभी भी हालात पूरे तरीके से स्टेबल नहीं है और जैसा कि हमको बताया गया आउटस्कर्ट्स के ऊपर अभी भी कुछ न कुछ फायरिंग चल रही है। विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन संकट मोचन के कमान जनरल वीके सिंह को सौंपी थी। 13 जुलाई को जनरल खुद ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हुए। जूबा से एक एक भारतीय को ग्लोब मास्टर में बैठाकर भारत लाने के लिए, उन भारतीयों को जो साउथ सूडान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की वफादार सेनाओं की गोलीबारी के बीच फंसे हुए थे। कैसे आप लोगों ने संपर्क किया अपने भारतीय दूतावास से या जो भारत में आपके लोग हैं? इंडियन कम्युनिटी वाले ने जुबा में व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाई थी, जिससे हम सब इंडियंस एक साथ होकर व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेजेस कर रहे थे। जिस तरह से कि हमें पता चला कि इंडियन एम्बेसी के तरफ से हमें इवैक्यूएट किया जाएगा और फिर जब ये जहाज आई हम सब बाहर। अक्षय कुमार ने ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुजारिश की थी कि जुबा में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी में मदद करें। खबर ये थी कि विदेश मंत्रालय में करीब 300 भारतीयों ने स्वदेश वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन कई भारतीयों ने स्वदेश वापसी से इनकार कर दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा ट्विटर के जरिए की गई अपील का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद सुषमा स्वराज ने फिर ट्वीट किया कि हालात और खराब होने पर आपको निकाल पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। साउथ सूडान में हालात अब भी अनुकूल नहीं है, आम नागरिकों पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। यहाँ वहाँ घूमते टैंक अब भी देखे जा सकते हैं, आधुनिक हथियारों से लैस विद्रोहियों का अब भी आतंक है। ऐसे में हम यही दुआ करते हैं कि कोई बेगुनाह विद्रोहियों की गोली का शिकार न बने, वो दक्षिण सूडान का हो या फिर कोई भारतीय। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो C-17 ग्लोब मास्टर जब दिल्ली में उतरा 156 लोगों की जान में जान आई और जब वो फ्लाइट से बाहर निकले उत्सव जैसा माहौल हो गया, खुशियां मनाई जाने लगी। हर कोई ऑपरेशन संकट मोचन के हीरो जनरल वीके सिंह का शुक्रिया अदा कर रहा था। ये ऑपरेशन संकट मोचन के हीरो का स्वागत हो रहा है। जैसे ही C-17 ग्लोब मास्टर दक्षिण सूडान से भारतीयों को स्वदेश लेकर लौटा, लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह और वतन लौटे 154 भारतीयों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। हर कोई जनरल वीके सिंह से मिलकर ऑपरेशन संकट मोचन के सफल होने की बधाई देता हुआ दिखाई दिया। एयरपोर्ट से बाहर परिवार वाले अपनों से मिलने को बेताब थे, लेकिन दक्षिण सूडान से लौटे 154 लोग एयरफोर्स और जनरल वीके सिंह से बात कर रहे थे, उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। ऑपरेशन संकट मोचन की अगुवाई करने वाले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह समेत वतन वापस लौटे भारतीय नागरिकों का एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत हुआ, और वो भी क्यों ना, जान बची तो लाखों पार।